लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्यों का जायजा लिया गया और अधिकारियों को समय पर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। मीडिया से बात करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्यों को लेकर रिव्यू बैठक की गई है। शहर में लगभग 700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अधिकारियों को इन कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में बढ़ते हुए तारों के जंजाल को कम करने के लिए उन्हें अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिसके लिए 150 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं इसके साथ पार्किंग और पानी की समस्याओं को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और सभी मिलजुल कर काम करेंगे। आज हमने एक रिव्यू मीटिंग जो मुझे अर्बन डेवलपमेंट विभाग मिला है और पीछे मैं उसमें रिव्यू मीटिंग नहीं कर पाया था, तो आज मैंने खास करके शिमला शहर के अंदर जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग करी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि करीबन 650-700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं शहर के अंदर जिन पे काम चला हुआ है, अधिकतर काम पूरा हो गया है। क्योंकि जब हम पीछे विपक्ष में भी थे तो हमने कई मसले प्रदेश में और ख़ास करके शहर के अंदर, शिमला शहर के अंदर जो स्मार्ट सिटी में काम चला हुआ था जो उसमें सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं था, उसके बारे में मैंने विधानसभा में भी प्रश्न लगाए थे। तो उन चीज़ों में मैं अधिकारियों से उसकी पूरी फीडबैक लेना चाहता था, चाहे वो हमारा स्काई वॉक्स अलग अलग जगह में प्रपोज्ड है, एक आपका रिज मैदान पे जहाँ पे रीडेवलपमेंट का कार्य मेयर ऑफिस के साथ चल रहा है, स्टेबलाइजेशन का, रिज की स्टेबलाइजेशन का एक प्रपोजल वहाँ पे स्काई वॉक के बनाने का है। वैसे ही एक जो हमारा शिमला शहर से थोड़ा बाहर निकलकर हसन वैली है वहाँ पर भी एक स्काई वॉक बनाने का प्रपोजल है। कुछ एस्केलेटर्स प्रदेश शहर के अलग अलग कोनों में लग रहे हैं, एक उसमें से जो बनकर तैयार हो गया है उसका आज लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है आज शाम को, जो जाखू मंदिर में बनकर तैयार हुआ है। वैसे कई और एस्केलेटर्स आपके ऑकलैंड में, ऑकलैंड का जो चौक है वहाँ पर है और आपके कुछ और एरियाज में भी बन रहे हैं। कुछ हमारे एलिवेटर्स है जो आपका विकास नगर में और आपके मिडिल बाजार में और जगहों में भी बन रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये निर्देश दिए हैं विभाग को कि समय पर ये कार्य पूरे होने चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे हमने देखा है जैसे आपका लक्कड़ बाजार का जो प्रपोज्ड आपका वहाँ पे लिफ्ट है, एस्केलेटर है, एलिवेटर है, उसका कार्य बहुत धीमी गति से चला हुआ था। कई बारी मैंने भी मौके पे जाकर भी उसका निरीक्षण किया, तो आज मैंने अधिकारियों को और जो कंसर्न्ड उसमें जो एचपी आरआईडीसी है जो उसका काम कर रही है, एग्जीक्यूशन कर रही है, उनको मैंने निर्देश दिए है कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर इसका कार्य पूरा होना चाहिए ताकि शहर के लोगों को उसकी सुविधाएं मिले। जो चीज़ें मुद्दे थे, जो चुनावी मुद्दे थे, उनको हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं, चाहे वो ओपीएस है, चाहे वो आपका गोबर खरीदने की बात है, चाहे वो दूध की गारंटी है, हालांकि उसमें जो जितना हमने कहा था अभी उसमें थोड़ा सा कम है, मगर फिर भी चाहे वो भैंस का दूध है चाहे गाय का दूध है, उसके लिए न्यूनतम रेट तय करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जहां पर मिल्क पर जो है वो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया है, तो वैसे ही हर चीज़ को हम पूरा कर रहे हैं। जो 1500 रुपए की बात है उसको भी हमने, मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको पूरा करने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है और आने वाले समय में और भी जो हमने बातें कही है उनको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम राजनीतिक रूप से जब मैदान में उतरेंगे तो जिस तरीके से हमने पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी को जिताने में हम सबका योगदान रहा है, समर्थन रहा है, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस की जो CWC है, आपकी CEC है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वहाँ से जो है वो आपके प्रत्याशियों का चयन होगा जो आने वाले समय में होगा और उसके बाद फिर जो है आगे की कार्रवाई वो शुरू होगी।